जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। चलिए जानते हैं टॉप 3 डिफेंस अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरी अंत तक देखें। तीसरी डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ का जो इलाके से लगती पाकिस्तानी सीमा पे, अब इंडियन आर्मी जो होवरक्राफ्ट होते हैं उसके जरिए निगरानी करेगी, ताकि पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की घुसपैठ या किसी भी प्रकार की स्मगलिंग ना हो सके। क्योंकि जो कच्छ इलाका है बहुत ही ज्यादा दलदली इलाका है, वहां पर निगरानी करना काफी ज्यादा कठिन है। तो इसी वजह से इंडियन आर्मी होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगी। होवरक्राफ्ट जो होते हैं ये जमीन और पानी दोनों पे आसानी से चल लेते हैं और दलदली इलाके में भी अच्छा काम करते हैं। तो इसी वजह से इनका इस्तेमाल किया जाएगा और 10 से 12 के बीच में होवरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, ताकि जो रन ऑफ कच्छ का इलाका है उससे पे निगरानी की जा सके। दूसरी डिफेंस अपडेट निकल के लिए जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है जैसे मोहम्मद की तरफ से, जैसे मोहम्मद ने अपने नए आतंकवादी अड्डे स्थापित कर लिए हैं और जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उसके बाद जो जैसे मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर, उसने अपने जो आतंकवादी अड्डे हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं। और ये सारे के सारे जो अड्डे बनाए गए ये बनाए गए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, ताकि आसानी से भारत में घुसपैठ कराई जा सके, भारत का जो जम्मू कश्मीर इलाका है वहाँ पर घुसपैठ कराई जा सके और आतंकवादी जो घटना है उनको अंजाम दिया जा सके। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारियों का। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस और हथियारों से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। पहली डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है इंडिया और इसराइल के बीच से। इंडियन आर्मी ने फैसला किया है कि इसराइल की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक को इमरजेंसी में खरीदा जाएगा, क्योंकि भारत के पास इस टाइम पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की कमी है और हमने स्पाइक जो डील थी उसको भी पूरा नहीं किया था। तो इसी वजह से इसराइल से स्पाइक मिसाइल खरीदी जाएंगी। जो इंडियन आर्मी के जो सीनियर अधिकारी हैं, मतलब वाइस आर्मी चीफ होते हैं, उनको 300 करोड़ के हथियार खरीदने की छूट प्रदान कर दी गई है। वो इमरजेंसी में चाहे तो 300 करोड़ के हथियार खरीद सकते हैं। तो इसी जो पावर का इस्तेमाल करते हुए वाइस आर्मी चीफ ने फैसला किया है कि इजराइल से 300 करोड़ की लागत से 210 स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदी जाएंगी और इसके साथ 12 लॉन्चर भी खरीदे जाएंगे। जो स्पाइक मिसाइल है ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है, तो काफी ज्यादा अच्छी बात है हमारे लिए और इंडियन आर्मी के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।